नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जुगाड़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कूलर के कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये है मोटर के पंप के वायर और ये है कूलर की जो एग्जस्ट फॉन होता है हमारा, और ये है मेन वायर इसका। तो हम इसके स्विच में इसके कनेक्शन करने वाले, तो चलिए कैसे करते हैं इसके कनेक्शन। तो बहुत ही सिंपल है कनेक्शन करना। तो ये है हमारी स्विच की प्लेट, इसमें हम सबसे पहले दोनों स्विच को आपस में कनेक्शन कर लेंगे। इन दोनों को आपस में मिला देंगे, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे हम, और ये जो हमारा इसका पेच खो गया है तो इसमें हम सादा मतलब तार को ऐसे ही ऐंठ देंगे, जिस तरीके से दो हिस्से कर लेंगे और उसको अंदर से प्रो करके इसको ऐंठ देंगे। एक मेन वायर को लेने के बाद में स्विच में कनेक्शन कर देंगे। तो गाइस, इसको स्विच में हमने लगा दिया, अब बारी आती है इसके न्यूट्रल के कनेक्शन करने की। ये तो था फेस का कनेक्शन। अब ये न्यूट्रल कनेक्शन करने के लिए हम ये पंप और मोटर का वायर दोनों को आपस में मिला करके इस मेन वायर को इसमें लगा करके टेप लगा देंगे। तो टेप को बहुत अच्छी तरीके से हमें बाइंड करना है इसमें, ताकि ये अर्थिंग ना ले या टेप ना छूटे। यदि टेप छूट गई तो इसमें लोहे में करंट आ सकता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेप लगानी चाहिए। तो दोस्तों, हम इसमें सबसे ज़्यादा टेप लगाने वाले हैं, ब्लैक कलर की बहुत अच्छी क्वालिटी की ये टेप है। इस टेप को हम यहाँ पर लगा देंगे। टेप लगाने के बाद में हम स्विच को चेक कर लेंगे, कौन सा स्विच हमारा पंप को इंडिकेट कर रहा है, कौन सा स्विच हमारा मोटर का है। तो यहाँ पर हमारा ये पंप का वायर, पंप का स्विच है, और ये वाला दूसरा वाला जो है वो मोटर का स्विच है। तो मोटर का स्विच वाला जो वायर है वो ग्रीन है, और जो रेड वाला है वो पंप का वायर है। तो इसमें हम एक एक वायर को आपस में लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से कूलर के कनेक्शन, ये तो थे बाहर के कनेक्शन। अब चलिए, अब अंदर से कनेक्शन भी हम आपको बता देंगे, लेकिन सबसे पहले इस कवर को फटाफट से बंद कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इन वायर को हम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे किसी टेप की वजह से। आप केबल टाई का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर टेप है सिर्फ, तो टेप का ही इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। बाकी आप केबल टाई से भी कर सकते हैं, क्योंकि टेप गर्म होकर छूट भी सकती है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से करने वाला हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं टेप लगा दूँगा ताकि छूटे नहीं। तो गाइस, ये वाला वायर हमारे यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। हम इसको यहाँ तक छोड़ देंगे, बाकी रेड वाले वायर को हम फिर से टेपिंग कर देंगे इसको अलग से, क्योंकि ये वाला वायर हमारा नीचे जॉइंट होगा। तो अब इसको छील के डाल देंगे हम, मतलब खाल उतार देंगे इसकी और इसको जॉइंट कर देंगे, यानी कि इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो चलिए इसको लबेड़ देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया है और इसको भी जोड़ दिया है। फटाफट से टेपिंग कर देते हैं, यानी कि लंगा इसको कपड़ा पहना देते हैं। तो हमने इसको नंगा आई मीन छील लिया है, तो फटाफट से हम इसको जोड़ लेंगे। ये हमारे पंप के वायर, तो टेप भी कुछ इस तरीके से लग गई है। टेप आपको अच्छी क्वालिटी की लगानी है, वरना कल्याण आपका हो जाएगा, ठीक है। ये टेप हमारी लग चुकी है बढ़िया क्वालिटी की। आई होप कि ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। पंप का थूथड़ा पाइप में हम लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा है कूलर का पंप कैसे ठीक करें, तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाकर के। तो हमारा कूलर का पंप भी लग चुका है, इसका पिछवाड़ा का कच्चा उतर गया, तो हम इसे लगा देंगे फटाफट से। शर्म नहीं आती तुझे? तो गाइस, कूलर के कनेक्शन कम्प्लीटली हो चुके हैं। अब हम इसकी टेस्ट करने की बारी आती है, इसकी टांग घुस गई इसके अंदर। तो फाइनली कूलर के कनेक्शन हमारे हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ग्रीन और येलो वायर इसका मोटर का है, और जब दोनों रेड हैं वो कूलर के पंप का वायर है। तो चलिए इसको फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस, अब इसको चेक करके देखते हैं कि चलता है या नहीं चलता। हमने कनेक्शन इसके पूरे कम्प्लीट कर दिए, सबसे हम पावर प्लग लगा देंगे, और हमने इसका पावर प्लग भी लगा दिया है। पावर प्लग लगाने के बाद में हम सबसे पहले इसके स्विच ऑफ कर लिए थे, अब आपको
चेक करके दिखाते हैं। तो गाइस ये है मोटर का, तो सबसे पहले इसकी मोटर चला के देखते हैं। ये मोटर हमारी चल चुकी है, यानी कि फ़ैन हमारा चल चुका है, काफ़ी अच्छे इसकी हवा भी आ चुकी है। अब इसके पंप को चेक करते हैं हम। तो गाइस पंप भी हमारा चल चुका है, काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और इसकी काफ़ी मुझे आवाज़ भी सुनने को मिल रही है। तो पंप भी हमारा चल चुका है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम जुगाड़ वाली वीडियो लाते रहते हैं, कनेक्शन वगैरह बिजली से फिटिंग रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलती रहेगी।